हेलो एवरीवन, आज है 17 फरवरी और आज इस वीडियो में हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी प्राइस काफ़ी हद तक गिर चुकी है और आने वाले दिनों में अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो डेफिनेटली आपको बढ़िया से बढ़िया फायदा होने के पूरे चांसेस है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC के बारे में। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 135 पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले दिन भी 2 रुपये 85 पैसे का ग्रोथ इसके शेयर्स में देखने को मिला है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कैसा क्या रीज़न है जिसके इसके शेयर्स में तेजी देखने को मिलेगी और आपको किस प्राइस पे इसे खरीदना चाहिए और कितना टारगेट इसका 1 साल में हो सकता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। चलिए देखते हैं। तो ONGC का अगर मैं पिछले 1 हफ्ते का डेटा निकालूं तो पिछले 1 हफ्ते में हालांकि उसमें 5.85% की गिरावट है, 132 रुपये का लो है और 143 रुपये का हाई इसने बनाया था। पिछले 1 महीने की अगर बात करें तो उसमें ऑलमोस्ट 7% की गिरावट है, 132 रुपये का लो है और 147 रुपये का हाई बना इसने बनाया था। पिछले 1 साल की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट है, ऑलमोस्ट 28% की गिरावट है, 132 का लो है और 190 रुपये का इसने हाई बनाया था। आप ग्राफ देखिए, गिरावट के बाद तेज़ी, फिर अगेन गिरावट, फिर तेज़ी, फिर गिरावट, फिर तेज़ी, फिर गिरावट और अभी तेज़ी तेज़ी धीरे से बनी हुई है। पिछले 3 साल की अगर हम बात करें तो 3 साल में हालांकि सिर्फ 1.38% का ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन आप देखिए 127 रुपये का लो है और 210 रुपये का हाई, मतलब 3 साल में ये शेयर 127 रुपये से नीचे नहीं गया है और अभी 135 पे ये ट्रेड कर रहा है। पिछले 10 साल की अगर हम बात करें तो ONGC में पिछले 10 साल में सिर्फ 15% का ही रिटर्न मिला है, 108 रुपये का लो है और 309 रुपये का इसने हाई बनाया हुआ था। आप चार्ट देखिए 10 साल में, आप देखेंगे कि गिरावट के बाद तेजी, तेजी के बाद गिरावट, तो हमेशा इसमें यही देखने को मिल रहा है। अब देखिए 10 साल में ये शेयर 108 रुपये से नीचे नहीं गया है, 3 साल में ये शेयर 127 रुपये से नीचे नहीं गया है और 300 रुपये तक ऊपर भी जा चुका है। और अगर हम बात करेंगे तो देखिए लार्ज कैप स्टॉक है, 1,70,000 करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप है। NSE में अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 4.25 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। इसके क्वार्टरली नतीजे भी आ चुके हैं। दिसंबर के नतीजे की अगर हम बात करें तो इसका अगर सबसे पहले नेट सेल की बात करेंगे तो दिसंबर 2017 में जो नेट सेल तकरीबन 23,000 करोड़ था वो सितंबर 2018 में इंक्रीज होकर ऑलमोस्ट 28,000 करोड़ के आसपास का रहा और 2018 में, दिसंबर 2018 में तकरीबन 27,700 करोड़, मतलब सिर्फ 1% की गिरावट है, लेकिन अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो काफ़ी बढ़िया रिकवरी और तेज़ी देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो जो नेट प्रॉफिट दिसंबर 2017 में सिर्फ 5,000 करोड़ का था वो सितंबर 2018 में इंक्रीज होकर 8,264 करोड़ और दिसंबर 2018 में 8,262 करोड़, मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑलमोस्ट जितना सितंबर में था उतना ही दिसंबर में है। लेकिन अगर दिसंबर 2017 से कंपेयर करें तो आप देखिए कि पूरे 3,250 करोड़ का इंक्रीज देखने को मिला है। मार्जिन की बात करेंगे, प्रॉफिट मार्जिन की, तो हालांकि 1.52% की गिरावट है और अगर इसके शेयर्स में अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 65.64% की होल्डिंग है, FIIs के पास 5.89% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 4.25% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 9.67% की होल्डिंग है, नॉन इंश्योरेंस इन्वेस्टर के पास 13.67% की होल्डिंग है और देखिए प्रमोटर्स के द्वारा एक भी शेयर यहां पर गिरवी नहीं है। 31 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने पैसा लगाया है, 635 FIIs इसमें इन्वेस्टेड है और अगर हम बात करेंगे डिविडेंड की तो 105% का डिविडेंड भी ये पे कर रहा है। और अगर हम बात करें तो देखिए 78% बाइंग के लिए रिकमेंडेशन है, 90% सेल है, 3% होल्ड करने के लिए बोला जा रहा है। और अगर मैं इनके फाइनेंशियल डेटा को निकालूं, रिपोर्ट निकालूं, तो जो बैलेंस शीट है उसमें 25,500 करोड़ के आसपास का कर्जा है इनके ऊपर, लेकिन आप टोटल असेट्स देखिए इनके पास
2,19,000 करोड़ के आसपास के टोटल असेट्स इनके पास पड़े हुए हैं। और अगर म्यूचुअल फंड होल्डिंग की मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग आईसीआईसीआई, सीपीआईसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंस, एसबीआई, आईसीआईसीआई ने प्रूडेंस इक्विटी सेविंग फंड ने इसमें देखिए कितनी बड़ी क्वांटिटी उठाई है, ऑलमोस्ट 47 करोड़ शेयर्स की क्वांटिटी। सीपीएसई ने ऑलमोस्ट 17 से 18 करोड़ शेयर्स की क्वांटिटी, तो बहुत ही भारी क्वांटिटीज में इन लोगों ने अपना होल्डिंग बनाई हुई है। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि ऐसा ओएनजीसी में जो गिरावट का दौर था, अब शायद इसका बॉटम बन चुका है। अब मुझे लग रहा है कि यहां से इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। तो आप अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया शेयर है ये, 135 पर ट्रेड कर रहा है। और अगर आप 1 साल का पोर्टफोलियो लेके चलेंगे तो डेफिनेटली ये शेयर 200 रुपये तक भी जा सकता है। तो 200 रुपये तक भी इसके प्राइस आपको ट्रेड करते हुए मिल सकते हैं, तो 200 तक भी ये शेयर जा सकता है। तो यही कहूँगा कि छोटी क्वांटिटीज में आप इसमें शेयर खरीदिए, डेफिनेटली आपको इसमें फायदा होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ अभी इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।